हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक चैनल। दोस्तों मैं विकास भाटी और आप लोग देख रहे हैं विकास भाटी ब्लॉग। तो गाइस मैं हूं और ये है मेरे साथ विकास भाई, जो कि मेरा ही जीरोक्स कर लिए हैं, टू कॉपी कर लिए हैं। और अभी हम लोग आए हुए हैं एम्बिशन कंप्यूटर सेंटर में, जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर क्लास करने वाले हैं। इसीलिए हम लोग रिव्यू लेने आए हैं कि क्या है वहाँ पे, कैसे है। तो अभी मैं हूँ रेलवे क्रॉसिंग किनारे, इधर देख सकते हो, और यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर गार्डन भी लगे हुए हैं। और अभी हम लोग चल रहे हैं सेकेंड स्कूल की तरफ, तो उधर से लौटेंगे। तो अभी हम लोग चलेंगे एम्बिशन कंप्यूटर सेंटर। तो वीडियो में बढ़ रही है शुरू से लेकर अंत तक, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। तो गाइस सर, अभी हम लोग आ चुके हैं सेकेंड स्कूल में, जहाँ पे बहुत सारा नाम सुना है सेकेंड स्कूल का। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड बच्चे लोग, इसके अंदर इसके बाद आपको दिखाते हैं। आ गए हैं और ऋषिकेश सर का बहुत नाम सुना है यहाँ पे, देख सकते हैं ऋषिकेश सर। और ये बहुत सारा बच्चे लोग मोटिवेट भी करते हैं और चलते हैं। देख सकते हैं इधर बच्चे लोग हैं सेकेंड स्कूल में, बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे रीडिंग करते हैं और मोटिवेट के साथ यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो चलते हैं इनके सर से बात करते हैं क्या है कैसे है। देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड स्कूल छात्र लोग हैं और मेरे सब्सक्राइबर लोग भी हैं, और यहाँ पे अभी सर से मिलते हैं, इसके बाद बातें करते हैं। तो गाइस अभी हम हैं सेकेंड स्कूल के अंदर और हमारे साथ हैं ये ऋषिकेश सर, जो बच्चे लोग के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और सेकेंड स्कूल के बच्चे लोगों को बहुत अच्छे से रीडिंग करते हैं और अदर लोग को भी बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड के बच्चे लोग यहाँ पे जो हम रिव्यू लेने आए हैं, तो बच्चे लोग देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं। और अभी हम हैं ऋषिकेश सर के साथ, यहाँ पे मेरे साथ कुछ सर लोग भी हैं। तो अभी ऋषिकेश सर से कुछ कुछ रिव्यू लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ऋषिकेश सर, सबसे पहले नमस्कार आपको इस वीडियो में, और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ऋषिकेश पांडे है, झारखंड से हूँ। जी जी, आपका प्रॉपर मकान कहाँ पे है सर? ऐसे 22 किलोमीटर दूर मेरा एक गाँव है, पैतृक मकान है रद्दी में, मातन थाना में। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है सर, धन्यवाद, क्योंकि मेरा ही स्टेट में है। तो सर आप बताइए कि सेकेंड स्कूल के बारे में कुछ कुछ रिव्यू दीजिए कि क्या है, कैसे है, क्या यहाँ पे तैयारियाँ कराई जाती है सर? जी हाँ, सेकेंड स्कूल में जेई नीट और एनडीए की तैयारी होती है, यहाँ पे 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चे पढ़ते हैं। और सेकेंड स्कूल कोई कोचिंग संस्थान जैसा है नहीं, ये एक मिशन है कि अब हर बच्चा पढ़ेगा, हमारा नारा ही हर बच्चा पढ़ेगा। और पूरे इंडिया में सबसे कम पैसे में यहाँ पे जेई नीट एनडीए की तैयारी कराई जाती है और हर तरीके के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। तो आपका मैं वीडियो देखता हूँ सर, आप एक टीचर के अलावा एक यूट्यूबर भी हैं सर, आप बहुत ज़्यादा बच्चे लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। तो अपना इस मुस्कुराहट का राज बताइए सर, कि हमेशा आप चार्जेबल रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, इसका राज बताइए सर। इसका राज तो वही बच्चे ही हैं, बच्चे ही हैं। हाँ, बच्चे, बच्चे के मुस्कान के साथ आपका मुस्कान क्लियर रहती है सर। जब भी आप कभी निराश, जब निराश कैसे नहीं है, इंसान है, निराशा तो होती है, लेकिन जब 1500-1600 बच्चों के सपने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर रहेगी, तो आपको निराश होने का अधिकार नहीं है, और अगर है भी तो आपको दिखना नहीं चाहिए। ओके सर, कि आपको देख के बच्चे मोटिवेटेड करते हैं, तो मेरे खुशी का कारण यही हो गया। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। जब से ये लोग आए हैं मैं बहुत खुश रहता हूँ। जी सर, जी सर, बहुत अच्छा, क्योंकि मैं आपका वीडियो देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दिन में जब भी वीडियो बनाते हैं या फिर जब भी पढ़ाते हैं तो हमेशा चार्जेबल के साथ, हमेशा एनर्जी के साथ रहते हैं। तो इसीलिए आपसे ये जानना चाहे, तो सर और कुछ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने कितने क्लास तक के बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं या फिर रीडिंग कर सकते हैं, बताइए। 7th के बाद अक्टूबर तक के बच्चे पढ़ सकते हैं। अभी आपको मिला है ऋषिकेश सर से, जो यहाँ पर सेकेंड स्कूल का एक ऑनर के हैं, और यहाँ पे बच्चे लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था रिव्यू लेने के वास्ते। और सर से मिलने के बहुत खुशी थी मेरे अंदर, तो हमसे सर से मिलकर बहुत खुशी हुई। और ऋषिकेश पांडे सर को तहे दिल से धन्यवाद, इनसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। और इनका चैनल है ऋषिकेश पांडे, या फिर सेकेंड स्कूल के नाम से सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, यहाँ पर स्क्रीन पर दे रहा होगा। तो जाइए इनके चैनल को भी सपोर्ट कीजिए और इनका चैनल को देखिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं बच्चे लोग के। अगर आप भी मेरे जैसा उम्र के होंगे तो वीडियो को देखना, इनके वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो में बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो गाइस मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि इनका वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बच्चे लोग को जानकारी दें, जो नहीं जान रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पर आए और अपना एजुकेशन ले सकते हैं। तो सर आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई, और मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा सारे बच्चों को कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, पढ़ने का मौका मिल गया तो आप शिकायत नहीं कर सकते जीवन से कि आपको जीवन में मौका नहीं दिया। एक बच्चा को जब पढ़ने का मौका मिल जाता है ना,
तो वो कुछ भी कर सकता है अपने लाइफ में, क्योंकि हर बच्चे को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। आपको मौका मिला उसको बुलाइए, और जहाँ तक जाना चाहते हैं आप शिक्षा के सहारे जा सकते हैं। शिक्षा ही एकमात्र तरीका है जहाँ से आप किसी भी ऊँचाई तक पहुँच सकते हैं। बहुत अच्छा सर, आपके लम्हों से जो बात निकलती है सर, वो इस तरह से निकलती जो किसी तीर से, किसी धनुष से बाण निकलता है, उस तरह से रफ्तार से आपकी निकलती है और बिल्कुल फ्रेश निकलती है सर। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, तो लास्ट चांस आप लोग के सर से मिलाते हैं और लास्ट वर्ड आप लोग सर से बोलना चाहते हैं कुछ कुछ। अरे लव यू सबको, लव यू सबको, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दिस वीडियो। तो दोस्तों अभी है मेरे साथ ऋषिकेश सर, और इनका देखिए पीछे फोटो लगा हुआ है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का साथ, 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड का साथ यहाँ पे मौजूद है। तो आपको नज़दीकी से दिखाने का प्रयास करेंगे। भाई एवं बहनों, यहाँ पे ऋषिकेश सर है, उनको 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है दोस्तों, और ये कोई मामूली टीचर नहीं है, ये ब्रांडेड टीचर है और सबसे लो क्वालिटी में और सबसे लो फीस में बच्चे लोगों को मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्टाल पर पहुँचे हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट है, 5 सर्टिफिकेट है वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो आप लोग सोच गए होंगे कि ऋषिकेश सर ब्रांड बन चुके हैं अब। सर आप लोग ये वीडियो कैसी लगी और ऋषिकेश पांडे सर से मिलकर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आप लोग बनता है गाइस। तो फिर हम लोग चलते हैं एम्बिशन कंप्यूटर सेंटर में, जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी आने वाले हैं। देखिए वहाँ पे एम्बिशन कंप्यूटर सेंटर लिखा हुआ है एम्बिशन, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं, इसके बाद बताते हैं। शानदार 19 साल से चल रहा है, न्यू बैच प्रारंभ हो गई है और एम्बिशन कंप्यूटर सेंटर का यहाँ देखिए वीडियो मिक्सिंग एम्बिशन के अंदर। अब इसके अंदर चलते हैं, इसके बाद आपको हम लोग आ चुके थे एम्बिशन कंप्यूटर सेंटर के अंदर। साथ है एम्बिशन कंप्यूटर सेंटर का ऑनर जो कि सर जी हैं, इनसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई और DCA कंप्यूटर के बारे में हमको जानकर बहुत खुशी हुई। और इनका सबसे पहले शुभ नाम जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम हुआ चंदन वर्मा जी सर, कंप्यूटर सेंटर का डायरेक्टर। 2004 से ये संस्था चल रहा है जी सर, और इसमें सारा तरीका का कोर्स होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग वीडियो मिक्सिंग हो गया जी सर, और कंपटीशन का जो ऑनलाइन बैंकिंग का जो टेस्ट होता है टेस्ट सीरीज वो भी आपको यहाँ पर करवा देता है। ओके सर, ओके सर। तो दोस्त आपको सुबह बैच से आपको 6 बजे स्टार्ट होता है, शाम को 6 बजे तक बैच यहाँ मिलेगा और 1 घंटा का क्लास चलता है। बैच का आपको शेड्यूल आपको जो भी चाहिएगा मिल जाएगा, और ये एक संस्था है जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से भी रजिस्टर्ड है। आप इसमें जो हम लोग जो प्रमाण पत्र देते हैं वो कहीं भी इसको सरकारी मान्यता प्राप्त है, कोई भी संस्था के यूज़ कर सकते हैं। तो सुन सकते हैं दोस्तों वीडियो में सर के खुद अपने लम्हों से बयां कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो किसी भी आप सरकारी संस्था में लगा सकते हैं। ओके ना सर जी। अभी हम लोग सर से मिले और इनसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई, और एम्बिशन कंप्यूटर सेंटर में अभी हम लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। अभी तो हमारी एंट्री हुई है, तो कल या परसों से हम लोग आगे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर हमको बहुत खुशी हुई, और फिर चलते हैं एम्बिशन कंप्यूटर के लैब में, हम चलते हैं वहाँ पे आपको दिखाते हैं, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे आना है इसलिए आपको दिखाते हैं वीडियो में। चलिए अभी हम आ चुके हैं एम्बिशन कंप्यूटर सेंटर के लैब में, देख सकते हैं यहाँ पे कितने भाई और बहन लोग यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं और एजुकेशन ले रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एम्बिशन कंप्यूटर सेंटर के क्या क्या कैसे है वो आपको बताएंगे, तो चलिए आपको बताते हैं। देख सकते हैं दोस्तों वीडियो में यहाँ पे लाइव ग्रुप चल रही है और बहुत सारे विद्यार्थी लोग यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं जो कि कंप्यूटर का है, और कुछ कुछ विद्यार्थी लोग से रिव्यू भी लेते हैं क्या है यहाँ पे कैसे है। तो बने रहिए इस वीडियो में। अभी हमारे साथ है एम्बिशन कंप्यूटर में पढ़ने वाले एक छात्र जो कि हमसे बड़े यानी हमारे बिग ब्रदर हुए। तो भैया सबसे पहले नमस्कार आपका। तो हमको ये बताइए कि हमको भी कंप्यूटर सेंटर में यहाँ पे एजुकेशन के लिए आना है, इसलिए आपसे पूछना चाहते हैं यहाँ पे क्या मतलब क्या सिस्टम है, कैसे पढ़ाई होती है, क्या टाइमिंग है, आपको बताइए। 10 से 11 आते हैं, टाइपिंग करने आते हैं। और यहाँ पे रीडिंग अच्छा होती है या नहीं? यस सर, रीडिंग अच्छा होती है। और टाइमिंग है आपको दिन भर में 3 टाइम दिया जाएगा आपको, और एजुकेशन बहुत अच्छा होती है। तो इनसे सुन सकते हैं कि खुद ब खुद अपने मुँह से बता रहे हैं जो कि यहाँ पर कंप्यूटर सीख रहे हैं, सीखने आते हैं, तो बता रहे हैं कि यहाँ पे टाइमिंग भी ठीक से है और एजुकेशन भी बहुत अच्छा होती है। तो यहाँ के छात्र लोग से सुने कि यहाँ पे रीडिंग भी अच्छा होती है और यहाँ पे सारा सिस्टम भी अच्छा है। तो मैं भी यहाँ से अब कंटिन्यू हो जाऊँगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग की अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।